मानने ना मगर इनको मैंने बहुत परेशान करी। क्या करी तूने? मैंने बहुत परेशान करी इनको। कौन है तू? मैं खाजा भी हूँ। अच्छा, मरी जिंदा है? जिंदा है मैं। कहाँ रहती? सरपरास कॉलोनी में रहती मैं। मेरा गांव है नांदापुर, तीनों भी नांदापुर की छे, यहाँ से 12 किलोमीटर गांव है वो। तो 12 किलोमीटर गांव है, तो मैं 6-7 साल से बरबनी में आ गई, तीनों भी दो तीन साल से बीमारी को कटा ले गई है, यहाँ आ गई। इससे पहले हाजिर हुई तू उसके आंग पे कभी? बहुत बार हाजिर हो गई मई, मगर कहीं से मई दबी ने ना। इसे 11 साल से आज खुद परेशान करी, मरने को टिक गया था, मगर तुम्हारा इनको ठेपा लगने से यहाँ आ गया हो। अब तुम्हारे तुम जैसा बोले वैसे करती मई। कितने बच्चे है? मेरे को 5 लड़के है, 1 लड़का है। लोगों के बच्चों को ऐसा परेशान कर रही, तेरे बच्चों को करे तो? मेरे को देखे नहीं जा रहा था इनका, ईमानदार थे, इनका ईमान है। क्या देखने जा रहा था तिक उसका? बहुत आगे जा रहे थे धंधा पानी करके, मस्जिद का काम करते थे, सब करते थे। आप इनके वास्ते मस्जिद भी बंद कर गई, इन्हों वहाँ से गाँव छोड़ के आए तो मस्जिद को कुलूप लगाया, लोगों ने पूरा पसारा चुरा के लिया है मस्जिद का। इन्होंने मस्जिद को बहुत अच्छा करे, मगर इनको मैंने बहुत बुरा करी, इनका बहुत बुरा करी। कहीं में मिला खिले थी तूने इसको? खिला वाला लेना, मैंने गंदा एकदम करी। क्या करी थी? कपड़े ले जाके मैंने कहाँ से ले गई थी? इनके घर तरफ से लेके गई थी। कितने साल पहले? 12-13 साल हो रहे। 12 साल से परेशान कर रही, परेशान करी। कितने लोगों को मारी अभी तक उसके घर से? हमारे इनके घर के एक आदमी को मारे, दूसरे 13 लोगों को मारी मैंने। दूसरे 13 लोगों को मारी? अल्लाह के वास्ते मारी ऐसा चुप किरकिरिया पैसे। इनका ना हमारा दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं, देखे नहीं जा रहा करके इसके बाप को मार डाली मैंने। इसके माँ को आंधा कर रही थी, इसके माँ का इलाज उम्र के पानी से हो गया। अब इसके माँ की मैं पेट फुगारी, इसके औरत को करी, इसके दोनों बच्चे को करी, इसके भाई को करी, गाँव भाई दादा भावज को करी, भावज के बच्चे को करी। इनका घर में मार के डाल रही थी, मगर अल्लाह ने इसे यहाँ भेजा। अब इसके बाद में नहीं करूँगी, बहुत परेशान करी मैंने, बहुत परेशान करी। ये फांसी लेके मरने जा रहा था 2-3 साल पहले, इतना परेशान करी मैंने, फिर भी मेरे को राहम नहीं आई इनकी। आप मैं छोड़ दूंगी नहीं, आप मैं सोच रहा तेरे बच्चों को देना क्या सजा, तू लोगों के बच्चों को दे रही। तो बहुत बड़ी सजा दी मैंने, बहुत बड़ी। देखी यहाँ कैसी ताकत है, तो यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है, कलाम इलाही की। ऐसी जगह कहीं से नहीं मिली थी इनको, बहुत फिरे ये, बहुत फिरे, बहुत बर्बाद हो गए, मोहताज हो गए। इनको ऐसी जगह नहीं मिली, इनको अभी 4 दिन पहले ठेपा दिया, तुम तो भी नहीं आना है। कहाँ रहती तू, कौन से गांव में? मैं आप सरफराज कॉलोनी में रहती, परवनी में। अच्छा नहीं ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, जादू टोने करना, ये बहुत गलत बात है। हाँ। बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देना क्या तेको? लोगों को जुलुमा दे रही वैसे तो। बहुत तकलीफ दी मैंने। और किसको मारी इसके घर से? इसके बाप को ये कुछ मारी। कैसा मारी उनको? मूत्र बंद की मारी। अच्छा, काय की बीमारी डाली थी? अटैक की। अच्छा, कौन सुबह से? अम्मास में मारी थी, पुण्यम में मारी थी, पुण्यम में मारी थी। पुण्यम में। अच्छा, गलत है ना ऐसा? गलत है लोगों को, इन अल्लाह के बंदों को जुलूम दे ना लायक। बाप का राह चल रहा तेरा बसा? इसका मस्जिद में काम करता था, मस्जिद में सब करते थे, पट्टी लागे मौली साहब को देते थे, सब करते थे। मस्जिद का पूरा सामान चुरा के ले आए लोगों ने, इन्होंने दूर छोड़ने से इसके बाप को मार के बेकार हो रहा। तेरे को क्या करना बिना, तेरे को क्या करना, वो सोच क्या फैसला देना तेरे को, तेरे को मार के खत्म कराना के, तेरी सारी तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा चल रहा था दुनिया में, मनमानियां कर रहे। और बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, पूरे घर को तकलीफ थी इनके, पूरे घर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे क्या हुआ था तुम्हारा बोली? पियो पानी। क्या हुआ था? पानी तो पियो, पहले पियो। क्या हुआ था? क्या हुआ अंदर आए तो कुछ याद है? क्या हुआ माता नहीं करती मुझे? क्या नहीं करो? क्या मैं बहुत काम नहीं करे इनको मार के, सारे बच्चे को, बच्चे को करी, घर के सब लोगों को करी, हमारे हजरत को मारा जो है। कौन रामी आके बोल रही थी अपने? कौन है वो तुम्हारी? चिचोरी चेची।
क्या दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। देखने जाता था करते उसको तुम्हारा बोल के करी कर देखने जाता था और सबको मारने आ ली करते उन्हें बोल रही थी देख एक से और क्या बोलते तो वो खैर गलत है एक दूसरे पे जादू टोने करना बहुत बुरी बात है। हदीस में सख्त मना करे अल्लाह कि तुम जादूगर के पास मत जाओ, अगर तुम जादूगर के पास जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं है और जादूगर भी हमें से नहीं है और उसके पास जाने वाला भी हमें से नहीं, मैं दोनों की भी शफात नहीं करूंगा आशिर के दिन। और जो जादूगर के पास जाता है उसकी 40 दिन तक की इबादत रद्द कर दी जाती और उसके बाद में उसकी और 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं की जाती। तो कितनी बड़ी बात है, तुम लोग ऐसा मामूली हरकतों से एक दूसरे को देख के जलना हसद उसे जादू टोने कर रहे बहुत गलत बात है। तुम्हारे को जादू टोने के चीज़ें नहीं सिखाया वाला है हदीस और इस्लाम ने, तुम्हारे को दो हथियार सबसे बड़े दिया अल्लाह ने, दुआ और बददुआ। दुआ तुम हक पे किसके भी हक में करो अल्लाह कबूल करके उसको आबाद कर देगा, बददुआ तुम हक पे जब तुम रहेंगे और बददुआ करेंगे तो उसको बराबर बददुआ करेंगे और बददुआ जगह ऐसी चीज़ है जमीन और आसमान के बीच में दुआ को रोक दिया जाता, जमीन और आसमान के बीच में दुआ को रोक दिया जाता। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता जब तक उसके साथ दरूद शरीफ नहीं रहेगा, जब तक उसको अर्श पर नहीं भेजते। और बददुआ एक ऐसी चीज है वाहिद जिसको डायरेक्ट अर्श पर जान देते जिसको कोई नहीं रोक सकता। तुम ये जादू टोने दुनिया में कहां से घुस गए, ये गलत बात है। ये मुसलमानों अगर ऐसा करेंगे तुम तो इसे आजाब नाजिल होंगे अल्लाह के तुम्हारे ऊपर नए नए तरीके। और तुम कर रहे क्या, तुम खुद के हाथों से खुद की आखिरत बर्बाद कर दे रहे। दुनिया तो कैसा भी जी लिया इंसान कैसा भी क्या बोलते दुनिया से कूच कर देगा, आज है कल नहीं, आज है अभी का भरोसा नहीं पलक भर का। जब रिटर्न चले जाएंगे उस दुनिया में कूच करके चले जाएंगे हकीकी दुनिया में तुम्हारी आखिरत वाली, फिर वहां पर कैसा होगा, तुम्हारे हाथों से तुम अपनी आखिरत बर्बाद कर दे रहे। वो तो गलत बात है। हदीस और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो। और हाँ कल मैंने ऐसा भी देखा कि कौन से डुप्लीकेट पीरा है वो लोगों से भी बचो जो औरतों को गले से लगा रहे, जो औरतों को पैरा खुद के पढ़ने लगा रहे, बहुत गलत बात है। जो शरीयत के खिलाफ जा रहा वो कई का पीर है, जो शरीयत पे चलता वो तो पीर ओरिजिनल रहता। तो ये सब बातों से जरा बाज आओ, हदीस और कुरान को जरा मजबूती से थामो रस्सी को हदीस और कुरान के। जब तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम अल्लाह को याद करेंगे तो फिर रब तुम्हारा ऐसा देखेगा जैसा हथेली में रई का दाना रख के तुम कैसा रई के दाने को देखते हो वैसा अल्लाह तुम्हारा देखेगा डायरेक्ट। फिर कौन तुम पे कैसा जादू चला सकेगा? जादू चलने के बाद अगर तुम इबादत करेंगे तो शैतान आए तुम्हारा इबादत करने नहीं देते। तो पहले से इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो अल्लाह जादू टोना तुम्हारे ऊपर चलने नहीं देता। ये सब बातें और भी बहुत सारी बातें मैं तुम लोगों को क्या बोलूं। तुम लोग ऐसे बन गए वाले हैं कि अपने आप में तुम फतवे देने वाले लोग बन गए वाले, तो हम क्या बोल सकते तुम्हारा? बोलने के हमारे पास अल्फाज नहीं है, खाली तक बोलूंगा हदीस और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, कोई तुम पे ऐसी हरकत नहीं कर सकता। नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कुरान आती की पढ़ने कुरान क्यों नहीं सीखी अभी तक? खेड़े में हमारे लोग पढ़ाते थे, इंग्लिश आती पढ़ने? हाँ इंग्लिश है, मराठी आती सब आ रहा, कुरान कैसे नहीं आ रहा? शर्म करो जरा, वो भी तो सीखने कुछ गए होंगे। मगर अभी कुरान सीखने की उम्र खत्म हो गई क्या तुम्हारी? अब नहीं सीख सकते इसी बात है क्या? कुरान सीखने कोई उम्र का वो तकाजा नहीं रहता, कौन से भी उम्र के हिस्से में सीख सकते। सीखो, तुम्हारी डिफेंस है वो, तुम कुरान सीखेंगे तो तुम्हारा फायदा है। तुम कुरान पढ़ने से अल्लाह का कुछ तुम्हारे कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी डिफेंस है। बोल के अल्लाह ने तुम्हारा बोला पढ़ो और पढ़ क्यों करो अल्लाह के पास, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गरज नहीं है। अल्लाह के पास में ऐसे ऐसे फरिश्ते जो 70,000 साल से सजदे में तो सजदे में, जो कई हजारों साल से रुकू में है तो रुकू में है, तो तुम्हारी इबादत की गरज नहीं। मगर ये सब तुम्हारी डिफेंस है। और अल्लाह के चुनिंदा बंदे ऐसे रहते हैं अल्लाह को उनके सजदे पसंद रहते हैं। कुतुब अब्दाल औलिया इकराम गौस वक्त के जो रहते इनके सजदे पसंद रहते अल्लाह को, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे को इस वास्ते सजदे करने लगा था कि तुम्हारे जान महफूज करा था जादू टोने से सब चीजों से, तुम्हारी डिफेंस है बोल के करो बोलता तुम्हारे। तो तुम क्या है कर नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, तुम्हारा कुरान याद नहीं हो रही, गाने याद हो जा रहे, सब चीजें याद हो जा रहे, इबादत कैसे याद नहीं हो रही अल्लाह? बहुत बुरी बात है। तुम खुद पे से सोचो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं तुम्हारे ऊपर डाल के, जैसा कि तुम लोग बहुत भारी के हो गए आले जमाने में। खाली तुम्हारा कोई बात बोलूंगा मैं कि कल को अगर मर जाएंगे कुछ हो जाएगा रुखसत तो मरना तो सब कुछ बरहक है, रिटर्न तो जाना चल रहा है पास में चलेगा, तो वहां क्या जवाब देंगे? वहां ये बोलेंगे क्या मैं हाँ मैं कुरान इस वास्ते नहीं सीखा, मैं इंग्लिश सीख रहा था, हाँ मैं कुरान इस वास्ते नहीं सीखा, मैं मराठी उर्दू तेलुगु तमिल पढ़ना सीख रहा था इस वास्ते नहीं सीखा, ऐसा बोलेंगे क्या? ये बात चलने वाली क्या वहां? कि फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं मैं गाने याद कर रहा था वो करना भूल गया। सोचो खुद पे से सोचो तुम।
मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बात की रस्सी को मजबूती से थामो। मोमिन के वास्ते दुआ हथियार है, तुम दुआएं पढ़ के निकलेंगे, दुआ पढ़ के अमल करेंगे तो तुम्हारा कोई भला बदतर हर चीज से महफूज देंगे। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हारा कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। चलो रोक दो। देखने को आए उन्होंने तेरी ताकत, यानी चलती ताकत। चल उनके मामू आए तेरी ताकत देखने को, मामू को तेरी ताकत, यानी चलती ताकत। दूसरे तरफ चलाए हमने ताकत, यानी चलती। हाँ, कितने जनों को मारी तूने? 13 जनों को। कितने? 13 जनों। 13 जनों। अच्छा, और इसके घर में से कितने मारी? इसके बाप को मारी। हाँ, और इसके बाप को मारी, बाकी के घर के सब लोगों को परेशान करी। हाँ, सब लोग का परेशान करी करके। हाँ, उसके बाप को कैसा मारे? उसके बाप को हाथ सुखा के मारी, अटैक के निमित्त से मार ली। अच्छा, के मर गया, बोल के मारी। और किस किस को मारने आई है? इसको भी मारने का था। हाँ, इसको कैसा मारने का था? इसको वैसा मारने का था। अच्छा, और इसके घर में से माँ को, भाइयों को? वो इसकी माँ, ये मरे बाद से माँ बहन खुद ही मरते फिर। अच्छा, इसे मारे किसका घर डूब जाता फिर, कुछ रहता नहीं। क्यों मरते खुद ही सब? कोई नहीं ना फिर इसके जो इसके घर में कुछ। ये चला था सबको, मरा कि सब मर जाते, दवा पी के जहर पी के मरते। क्या करना थे को, काट के टुकड़े करू तेरे? हाँ, बहुत ताकत दिखा रही थी लोगों को, लगाना ताकत। बता तेरी कितनी है तो यहाँ लगाओ ना, देखने को आई तेरी ताकत, बता पूरी जल्दी। नहीं बताती। हाँ बता। दूसरे तरफ बताई, हाँ नहीं बताती। क्या करूँ फिर तुझे, छोड़ के देंगी इज्जत से? क्या भस्म करा तू पूरा? हाँ छोड़ देंगी। कौन है तू, जिंदा है मर गई? जिंदा है। क्या नाम है तेरा? खाजा भी। कहाँ रहती? सरफराज कॉलोनी में। ओ, रिश्तेदार है तुम्हारे? उनके, तुम्हारा ही बच्चा है रिश्तेदार? नहीं नहीं। हाँ? ये हमारे जमीन के चचोरा भाई। अच्छा अच्छा, उनकी कौन? चची थी ताई। अच्छा। नहीं करना आप किसी को परेशान, मत अगर करेंगे तो देखते बहुत बुरा हाल करूंगा। अब मेरे बंदिशों में लेके सबको खत्म करा दूंगा मैं, तेरे सारे तंत्र मंत्र की क्रियाओं को। अगर ज्यादा होशियारी करी तो तुझे मार के पटकी देने लगूंगा फिर, समझ गई? चल तौबा कर जल्दी, दोनों हाथ उठा ऊपर, वो तौबा कर, तो अब भी जंजीर डाल के बनने लगा दूंगा दोनों हाथों को। चल तौबा कर जल्दी, तौबा कर। छोड़ दूंगी। चल जा, भाग, चल निकल निकल, जा जल्दी चल। छोड़ना नहीं मारूंगा। फिर हम मारते ना फिर, पकड़ के हम भी नहीं छोड़ते ना फिर। जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी खींचा तेरे, तेरे क्या कर तू थे, तूने क्या क्या करी तो उन्हें देखने को आए। देख उसके मामू, बहुत लोगों को परेशान करी मैंने। देखो सुनो, अब आगे आके पूछने का है क्या कुछ और उसको? मामू पे भी करे क्या रे जादू उसके? देख उधर बैठे आले दोनों। सब नगीज के लोगों को मारी मैंने, 13 लोग मारी। अब नहीं मारूंगी। बहुत जगह पे मैंने बचन दी छोड़ दी करके, नहीं छोड़ी आप छोड़ूंगी। बहुत जगह बचन दी छोड़ूंगी करके, आप छोड़ूंगी, पहले नहीं छोड़ी, छोड़ दीजिए। चल अब जा, मेरे को दिखना, निकल जल्दी भाग, में देख मिनट मार दूंगा भसम करके। हाँ वापस लेते नहीं आता मेरे को। हाँ जा जा, तू जा, मैं सब वापस कराता हूँ। चल निकल। हाँ निकल, चल निकल जल्दी जा। जादुआ करने आ रहे सालों, वापस लेने नहीं आ रहा, बाप का राज चल रहा है तुम्हारे भाई। अरे क्या हुआ, देखो इधर ऊपर, ये कौन है? हाँ फूफा है, मामू है। चलो आ गया उसको याद, देखे शैतान बिठाए वाला था। मैं कुछ बोला उन्हें, उसके मुंह से आके बोले सब।